ब्रिक्स सम्मेलन पर दिनिकिया ग्रीस गस्तर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसी ग्रीस और दीर्घ 40 वर्ष पर मोदी जाटा एथेन्स पीएम मोदी पहुंचा पर ग्रीस्र विदेश मंत्री जॉर्ज गैरापेट्रेडिस भव्य स्वागत करते ग्रीस्र प्रधानमंत्री बेरेकोस स्मिथ सात्कोस आमंत्रण क्रमे ग्रीस गस्त कर 40 वर्ष पर प्रथम थर पर कौन भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस गस्त कर ग्रीस्र शेष उच्चस्तरीय कथबार्ता 1983 सेप्टेम्बर 1983 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ग्रीस गस्त कर द्विपाक्षिक संपर्क को आहरी निविड़ करने लगी पीएम मोदी ग्रीस पहुंची दुई देश प्रतिनिधि स्तर आलोचना होती 2030 बेलू कारबार परिसर को द्विगुण करें पीएम मोदी ग्रीस्र वनाग्नि जीवन हर लोकों श्रद्धाजलि जानते पीएम ग्रीस राष्ट्रपति कैटरीना सैकुलपावली पीएम मोदी को सेरेमोनियल वेलकम करते सहित ग्रीस्र द्वितीय सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान में सम्मानित कर आतिथ्यता और सम्मान पर ग्रीस राष्ट्रपति ग्रीस सरकार और ग्रीस्र लोकों धन्यवाद जन प्रधानमंत्री ग्रीस्र लोकों भारत प्रति आदर थ दर्शाऊ मोदी कहते पीएम मोदी कहते ग्रीस भारत ऐतिहासिक संपर्क रही आजिका समय आमको प्रतिरक्षा भित्तिभूमि शिक्षा और कौशल विकास पर गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में काम कर आवश्यकता रही है देश मध्य एनएसएस स्तरीय आलोचना खूब शीघ्र आरंभ हो एथेन्स पहुंचा पर पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता विमान बंदर भितर प्रवासी भारतीय समुदाय ढोल नागाड़ा बजाय मोदी को स्वागत करते भारतीय समुदाय लोक मोदी को ग्रीस्र पारंपरिक मुकुट पिंधाई थे ये किसी दृश्य आप देखुच ग्रीस नागरिक मैंने कमी प्रधानमंत्री सहित हाथ मिसे सहित कथाई नमस्कार कर भाव विनिमय कर ढोल नागाड़ा बजाय जो प्रवासी भारतीय मैंने अच्छा से मैंने मोदी को ये स्वागत करुँ ये किसी दृश्य आम आपको देखा प्रवासी भारतीय मैंने स्वागत करते तेज पीएम मोदी ग्रीस गस्त अनेक कारण गुरुत्व बहन कर 40 वर्ष पर मैंने पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर मोदी पहुंची से कहीं गुरुत्व बहन करुच्छे द्विपक्षीय संपर्क केमी रही है तथ्य मध्य बुझा चेस्टा करवा के गुरुत्व बहन करुचे कथा हूँ या भारत ग्रीस संपर्क बहुत पुराणा एवं कर अनेक दिन संपर्क ये बहुत मजबूत मत संपर्क 1950 रु देश मध्य कूटनैतिक संपर्क आरंभ होता 1950 मैंने स्वाधीनतार 3 वर्ष पर 78 एथेन्स खोली भारतीय दूतावास खोली एथेन्स एम्बेसी खोल ग्रीस द्विपाक्षिक संपर्क को आहरी निविड़ करने को वर्तमान भारत चाहूँगी जे सहित आहरी संपर्क मजबूत कर 2023 जानुरी में विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ग्रीस गस्त करते 2023 जानुरी और 22 वाणिज्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ग्रीस गस्त करते मैंने सबू द्विपाक्षिक संपर्क को आहरी मजबूत करने 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ग्रीस गस्त करते आज तो प्रधानमंत्री मोदी जाइंट कौन प्रधानमंत्री भाव 40 वर्ष पर 2018 तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिनिया ग्रीस गस्तर जाते तेज अनेक राजनैतिक प्रसंगे भारत को ग्रीस समर्थन करसुच्छेक कूटनैतिक प्रसंग राजनीतिक प्रसंगे ग्रीस समर्थन रही पाकिस्तान तुर्की मेट को चेक देवा लगे पीएम मोदी ग्रीस गस्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और भारत ग्रीस संपर्क बहुत पुराणा रही गस्त ये गुरुत्व बहन करुच्छे दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग में अनुषित ब्रिक्स सम्मेलन जोगदे प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस्रे पहुंची गस्त बेले ग्रीस राजधानी एथेन्स प्रधानमंत्री मोदी को भव्य स्वागत संवर्धना दी जाए ब्रिक्स सम्मेलन पर ग्रीस्रे पीएम मोदी ग्रीस्र द्वितीय सर्वोच्च सम्मान सम्मानित तो पीएम मोदी पीएम कहले आमर संपर्क हजार वर्ष पुराणा पुराणा बंधु परी आमे परस्पर को बुझु 2030 रे द्विपाक्षिक व्यापार द्विगुण हेबो दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग ठारे अनुष्ठित ब्रिक्स सम्मेलन में जोगदेवा परे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रीस्रे पहुंची गस्त बेले ग्रीस राजधानी एथेन्स प्रधानमंत्री मोदी को भव्य स्वागत संवर्धना दी जाएगी इस समय बैकग्राउंड में नाटुनाटु संगीत परेशन होने को मिली तेज प्रधानमंत्री दिनिकिया ग्रीस गस्त अवसर में दुई देशर प्रतिनिधिमंडल स्तरीय आलोचना यापर जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो प्रधानमंत्री मोदी कहते ग्रीस आउ भारत सभ्यता हजार हजार वर्ष पुराणा पुराणा बंधु पी आम परस्पर परस्पर को भल भाव बुझी था 2030 मध्य दुई देशर द्विपाक्षिक वाणिज्य कारबार द्विगुणित हो ग्रीस राष्ट्रपति कैटरीना सेकेलारोपोलो प्रधानमंत्री मोदी को सेरेमोनियल वेलकम करने सह ग्रीस्र द्वितीय सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर रे सम्मानित करिसेंती एई सम्मान पाइबा परे पीएम मोदी ग्रीस राष्ट्रपति ग्रीस सरकार और लोकों को धन्यवाद जनाइछंती एई सम्मान भारत और भारतीयों पर ग्रीस्र आदर स्नेह भाव को ही दर्शा जाउथुवा कहिसेंती पीएम फ्रेंड्स दोनों देशों के बीच
स्किल्ड माइग्रेशन को सुगम बनाने के लिए हमने जल्द ही एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। हमारा मानना है कि अपने प्राचीन पीपल टू पीपल संबंधों को नया रूप देने के लिए। अन्य पक्ष ग्रीस प्रधानमंत्री मिचोताकिस मोदी मोर भल बंधु कहुए एक आउ एक मिशिले एगार हुए आमर मध्य संपर्क से ही दुई देशर पुराणा सभ्यता और संपर्क आगु अधिक मजबूत होशा व्यक्त कर चंद्रयान तीन रफलता से भारत को अभिनंदन जन दुई देश मध्य डिफेन्स सिक्यूरीटी इनफ्रास्ट्रक्चर स्टिल डेभलपमेंट भली क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग वृद्धि पावे पीएम To visit India, I am certain that we will witness the relationship and its multiplying effect. When two friends stand together, an Indian proverb says, "One plus one is not two, but 11." तेज शुक्रवार दिन सकाले एथेन्स पहुंचा पर एयरपोर्ट बाहर प्रवासी भारतीय माने खूब उत्साह और उद्दीपनार सहित प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत करते ढोल मादल बजाई स्वागत करते भारतीय वंशोद्भव ग्रीस्र पारंपरिक मुकुट पीएम मोदी को पिंधा जाता तेरे 1983 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ग्रीस गस्तर 40 वर्ष पर भारत द्वितीय प्रधानमंत्री भाव मोदी यह गस्त को खूब गुरुत्व दी डील नहीं कथा हवा ग्रीस सहित भारत डील कौन कौन चली कौन कौन अच्छे आगे कौन आलोचना करा तथ्य मध्य बुझा चेष्टा करवा भारत ग्रीस मध्य विभिन्न क्षेत्र में संपर्क मजबूत करने को अनेक गुड डील अच्छी कृषि वाणिज्य शिक्षा डिफेन्स सिक्योरीटी टेक्नोलोजी क्षेत्र को नहीं दुई देश मध्य डील होती स्किल मैन पावर आदान प्रदान क्षेत्र में बुझाणा होती माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप वृद्धि करने को देश मध्य डील होती यापर दुई देश नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बस आभ्यंतरीण सुरक्षा को नहीं चर्चा है भारत ठार ब्रह्मास मिसाइल पर ग्रीस आग्रह प्रकाश करेणुदी डील होती ब्रह्मास मिसाइल आम दौं कि नहीं ताकू जना पड़े और डिफेन्स क्षेत्र में आलोचना होती अस्त्रशस्त्र आदान प्रदान एसबु भितर आगुक अपेक्षा करने को पड़ो ग्रीस सहित जो बंधुता आम रही 40 वर्ष पर जितने प्रधानमंत्री पहुंचे भारत प्रधानमंत्री निश्चित भाव अनेक गुरुत्व बहन करपटे अनेक गुरुत्वपूर्ण कथ भारत आसबे ना रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक तुम कहीं कौ G20 सम्मेलन में जोगदे भारत आसबे ना सेप्टेम्बर में भारत रहा G20 सम्मेलन यह सूचना देखते पुतिन का मुखपात्र दिमित्र पोस्कोव पुतिन शेष थर पर 2019 में जापान में आयोजित होता G20 शिखर बैठक में सामिल होते 2020 रियाद 21 रोम रहता सम्मेलन में पुतिन भर्चुआल सामिल होते 22 बार्ली सम्मेलन में राष्ट्रपति सामिल हो नथिले पुतिन के जगह प्रतिनिधि रूस विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव भारत अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में जोगदे सेप्टेम्बर 9 और 10 नुआदिल्ली में सम्मेलन दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग ब्रिक्स ब्रिक्स 15 सम्मेलन में पुतिन सामिल हो नथिले प्लेनारी सेसन में भर्चुआल जोड़ी होते पुतिन के जगह विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव इस सम्मेलन में सामिल होते सम्मेलन में पुतिन जोगदेवानी शेष मुहूर्त पर्यटन सस्पेन्स लगी रही है पर आयोजक दक्षिण आफ्रिका खुद स्पष्ट करते पुतिन जोहान्सबर्ग आसबे ना यूक्रेन उपर हमला और वार क्राइम पर रूस राष्ट्रपति पुतिन के विरोध में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC अरेस्ट वारंट जारी कर अनुमान जो हूं तो से आसबे ना तेज पुतिन भारत न आसवर कारण कौन ताकू जमापड़ पे ग्रीस सहित बंधुता भारत को कैसे फायदा देखिए अपेक्षा